आपका हम गोपाल पांडे चैनल पर स्वागत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि हम जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे वो आपको YouTube मैसेज के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। फेयर एलिमेंट अर्थात अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का गुण क्या है? अग्नि तत्व हमारे शरीर में किस रूप में स्थित है? अग्नि तत्व हमारे शरीर में किस रूप में कार्य कर रही है? अग्नि तत्व का स्थान हमारे हथेली में कहाँ पे है? अग्नि तत्व का गुण ऊर्जा है। जब हम भोजन बनाते हैं गैस पे या फिर चूल्हे पे बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा भोजन बनता है वो अग्नि तत्व की गुणों की ऊर्जा के तापमान से हमारा भोजन बनता है। अग्नि तत्व हमारे संसार में विस्तृत रूप में है। द्वीप महासागर पर्वत पे आज भी फटती है ज्वालामुखी तो सोने की वर्षा होती है। आप अग्नि तत्व को संसार में स्पर्श करके एहसास कर सकते हैं, अपने नेत्रों से उसे आप देख सकते हैं। वही अग्नि तत्व हमारे शरीर में सूक्ष्म रूप में है, यानी कि छोटे रूप में है। एक वर्ष में एक पर्व आता है, जिस दिन होली रहता है उसके एक दिन पूर्व होलिका दहन होता है और होलिका दहन के दिन बहुत सारे लकड़ियाँ इकट्ठा किया जाता है वहाँ पे। जब उसमें किया जाता है और उस लकड़ियों में अग्नि लगाया जाता है, जब अग्नि लगाया जाता है तो अग्नि तत्व की गुणों की ऊर्जा के तापमान से एक एक लकड़ियाँ जलकर राख हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जो अग्नि तत्व है हमारे शरीर में जठराग्नि के रूप में स्थित है। जब हम भोजन करते हैं तो वो भोजन को जठराग्नि जलाकर राख कर देती है और उससे जो हमारा ऊर्जा बनता है वो हमारे एनर्जी सेंटर्स तक पहुंचा देती है। और अग्नि तत्व जो है हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। जैसे हम जो भोजन किए वो हमारा एनर्जी बना और एनर्जी हमारा एनर्जी सेंटर्स तक चला गया और उसी ऊर्जा की बदौलत तो हम कुछ करते हैं, कहीं जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, हम उस ऊर्जा के बदौलत ही करते हैं। यदि वह ऊर्जा हमारे शरीर में ना हो तो चल पाना, घूम पाना या पढ़ना, कुछ भी कर पाना एक तरह से नॉट पॉसिबल हो जाएगा। और अग्नि तत्व जो है हमारे हथेली में इसका अंगुष्ठ पर्व में स्थान है और अग्नि तत्व का गुण ऊर्जा है,